गुड मॉर्निंग असल माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं सब आई होप सब अच्छे होंगे माशाल्लाह से अपना तो बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे तो अभी जी नौ बजे का टाइम है और मैं ऊपर छत पे आई हूँ क्योंकि आज जो काफ़ी दिनों से यास्मीन को कह रहे थे कि ऊपर छत बहुत गंदा हुआ है तो आज उससे जो है वो ये काबू आई हुई है तो इससे जो है वो ऊपर से सारा धुलवा रही थी तो रहना भी सो रही थी तो हम, तो हमने सोचा चले क्यों ना ये काम जो है उसके उठने तक तो करवा ले क्योंकि वो भी पानी की जान नहीं छोड़ती तो अच्छा जी यहाँ पे हम आ चुके हैं किचन में अच्छा जी कुकिंग इतनी लंबी चोरी ना भी हो लेकिन लेडीज़ का जो आधा टाइम है ना वो किचन में गुजर जाता है तो अभी मैं उदयना को रेडी करके जो है वो नीचे ले आई थी और ये हमेशा अपने डेडी बेट के साथ आपको मिलेगी हेलो कर सबको गुड मॉर्निंग अच्छा जी यहाँ पे आप... अच्छा जी तो अब हम आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ जो आपको टाइटल्स अंदाजा हो गया होगा आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जहनी वाला पुलाव ठीक है वैसे तो मोस्टली जो है वो मटन का पुलाव ज़्यादा लोग यहीहनी में बनाते हैं लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी चिकन का और ये अब जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही टेस्टी बहुत ही, ही मज़े का बनता है ठीक है और सर्दियों में तो चूँकि विंग्स हों तो उनकी जहनी निकाल के अगर आप पुलाव बनाओ तो बहुत ही यह बहुत मजे का बनता है तो चिकन जब फ्रीज हो तो हमेशा हम जहनी वाला पुलाव ही बनाते हैं जिसमें मैंने शामिल कर दिया है पानी प्याज एक बड़ी इलायची दालचीनी और आठ से दस अदर जो है वो मैंने इसमें काली मिर्ची साबत इस तरीके से धनिया और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक बस ये कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें जाएंगी और जब हमारा चिकन फ्रीज़ हुआ होता है तो इस तरीके से जहनी वाला पुलाव बन जाता है और जब चिकन फ्रेश आए तो सिंपल इस तरीके से लोग बनाते हैं उस तरीके से बनता है तो अभी यहाँ पे मैंने जहनी जो है वो निकालने के लिए रख दिया है साथ ही हम अपना नाश्ता रेडी करेंगे और मैं बना रही हूँ पराठे सुबह नाश्ते में तो इस तरीके से कौन कौन जो है वो इस तरीके से बनाता है सिंपल वे से तो यहाँ पर सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे और आप सब आप सब के साथ साथ बातें शेयर भी करूँगी कि आप सबके घरों में जो है वो जारी बात है सबका पुलाव का अपना अपना टेस्ट होता है सबका अपना अपना जायका होता है हाथ का तो लेकिन आप ये जहनी वाला पुलाव जो नहीं बनाते वो ज़रूर ट्राई करें बहुत ही टेस्टी बनता है ठीक है और हमदा को स्पेशली जो है वो जहनी वाले का जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि चिकन की जो जहनी है वो राइस में आ जाती है उसका अपना एक टेस्ट बन जाता है तो यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह करके अब उज़ाइना को मैं करवा रही हूँ होमवर्क क्योंकि उजाइना जो है पहले शाम में करवाती थी तो उजैना का मूड ठीक नहीं होता था लेकिन अब जो है वो सुबह मॉर्निंग में करवाती हूँ कि नाश्ता वगैरह करवा के फिर उसको होमवर्क करवा लूँ तो ये भी फ्रेश होती है और काम भी अच्छे से कर लेती है हाँ जी तो आपको दिखाते हैं जैना यहाँ पे जो है वो काउंटिंग का काम कर रही है और जाइना को अभी तक हमने स्कूल तो ज्वाइन नहीं करवाया लेकिन इसको अकेडमी ज्वाइन करवाई है ताकि ये घर में करे और ये डी पेंसिल उस इसने पॉइंट में देख ली थी और जिद की हुई थी बाबा के साथ तो हमदा ने तो पता कि नहीं मिली लेकिन दादाजी इसके लिए ढूंढ के ले ही आए तो जायना कोई ज़िद पकड़ ले तो बस फिर जो है वो उसकी जिद जो है ना वो हमेशा वैसे मोस्टली दादाजी ही पूरी कर पाते हैं जो है हम था एक दो दफ़ा घूम के आ जाएँगे बस मुझे नहीं मिल रहा तो यहाँ पे जी दाइना काउंटिंग का काम कर रही है माशाल्लाह से मेरा बेटा बहुत अच्छा बेबी बन गया हुआ है बहुत अच्छे से काम करता है और अब आ चुके हैं हम साथ साथ जो है वो किचन में काम कर रही हूँ साथ दाइना को मैं काम करवा लेती हूँ और दाना माशा से जो है उसका सुबह के टाइम इसका मूड अच्छा होता है तो आराम से बैठ के कर लेती है तंग नहीं करती मुझे तो यहाँ पर हमारा जो है वो चिकन हो चुका था बहुत ज़्यादा चिकन को आपने नहीं करना है हालांकि अगर आप विंग्स

इसको हमने यहाँ पे ये यह देख सकते हो आप इस तरीके से निकाल लिया अच्छा ये आपकी जो है वो मर्जी है आप इसको दोबारा ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते इट्स अप टू यू तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको जो है यहाँ पे स्टेन कर लिया है और यही हम साइड पे कर देंगे अगर तो आपका मटन की यही बना रहे हो तो फिर तो ये आप निकाल दो तो क्योंकि हड्डियाँ वगैरह भी होती हैं तो वो निकल जानी चाहिए बेहतर होता है तो यहाँ पे डिजाइना के काम देखे ये डाकू बनी हुई है और ये जींद बनी हुई है आपकी तरफ आने वाली है योजाना के साथ काम ऐसे ही रहते हैं कभी मामा के साथ कभी दादों के साथ तो अब जो है वो मैं किचन में साथ साथ खाना बना रही हूँ चूँकि और आज इसमें हमने ले ली है आठ से दस हरी मिर्चें और हाँ हरी मिर्चों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा समटाइम करवी भी निकल आती हैं समटाइम नॉर्मल भी होती हैं तो यहाँ पर हमने एक अदद जो है वो ले ली है हमने अदरक को और इसको हम कर लेंगे कटिंग और ये जी हमारा कटिंग हो चुका और हाँ हरी मिर्चें जो हैं जब भी आप डालो पहले यही रखो कि अपना हाथ थोड़ा सा कम ही रखो उसके बाद आप टेस्ट कर लो अगर आपको कम लगे तो दोबारा ऐड कर दो और अगर आपके पास हरी मिर्ची आपने दोबारा नहीं कटिंग की हुई तो आप कुटी लाल मिर्ची ऐड कर लो ठीक है तो जी यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपने राइस की तरफ तो सबसे पहले हम प्याज को जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसमें हमने ऐड कर दिया आयल प्लॉग का मेथड तो सबको मोस्टली पता ही होगा हाँ ये उन लोग उन बच्चियों के लिए वीडियोस हैं जो अभी जो हैं टीन हैं और अभी न्यू न्यू कुकिंग सीख रही हैं तो उनके लिए जो है ये कुकिंग बहुत बेस्ट है और क्योंकि ये मेन जो होती हैं डिशेज़ होती हैं जो उनको आनी चाहिए तो इसलिए इतना मैं डिटेल में आपको उन लड़कियों के लिए बता रही हूँ जिनको आता तो है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं ये डिटेल वीडियो बना रही होती हूँ तो यहाँ पे हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हमने एक गिलास जो है वो पानी ऐड कर दिया ठीक है और पानी ऐड करने के बाद हमने इसमें जो हमने टमाटर और रेड ग्रीन चिली और अदरक जो है वो क्रश किया हुआ था ठीक है वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया और हरी मिर्चों को और अदरक को मैंने इकट्ठा क्रश कर लिया था आप ये ना समझना कि ये सिंपल हरी मिर्चें हैं अदरक इधर गया तो जी मैंने उन दोनों चीज़ों को इकट्ठा जो है वो क्रश कर लिया था ठीक है और मैंने यहाँ पर पाँच से दस मिनट के लिए उनको गलने के लिए रख दिया ताकि टमाटर जो हमने कटिंग किया हुआ डाला है वो थोड़ा सा गल जाए अच्छे से क्योंकि चिकन तुम्हारा ऑलरेडी जो है वो हाफ डन हो चुका हुआ है उबॉल हो चुका है हाँ अगर चिकन आप फ्रेश डाल रहे हो तो ये सब चीज़ें इकट्ठी डाल दी जाती हैं उसमें चिकन भी हो जाता है और टमाटर भी हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे चूँकि हमने जो है वो चिकन को पहले ही उबॉय कर लिया हुआ था तो इसलिए जी मैंने कहा पाँच से दस मिनट जो है वो हम टमाटर को अच्छे से गला लेते हैं अब ये मसाला जो है जो हमने स्टेन किया था ये आपकी मर्ज़ी है आप इसमें दोबारा ऐड करना चाहो अगर तो आपके घर में कोई काली मिर्चें या मसालों को इग्नोर नहीं करते तो आप ऐड कर सकते हो लेकिन कुछ को ये लाइक नहीं हो करते दनिया मुँह में या इस तरीके से तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि इसका टेस्ट तो जहनी में आ चुका है ये आपकी मर्ज़ी है आप इसको डालो तो भी कोई मसला नहीं है नहीं डालोगे तो भी कोई मसला नहीं है ठीक है लेकिन मैं वेस्ट नहीं करती मैं डाल देती हूँ तो यहाँ पे हमने अच्छे से उसको पीस लिया उसके बाद हमने जो चिकन उबायल किया हुआ था वो अंदर ऐड कर देंगे और इसका जो थोड़ा सा पानी है चिकन को ज़्यादा हमने हिलाना नहीं है क्योंकि हमारा चिकन उबायल हुआ हुआ है अगर हम इसके अंदर ज़्यादा चम्मच चलाएँगे तो चिकन ज़्यादा टूट जाएगा तो यहाँ पर हमने जो है वो इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे कोई ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे सा साब जीरा ऐड करूँगी और थोड़ा सा जो है वो मैं इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड करूँगी ये एक टिप समझ लो <laughs> कि इसमें थोड़ा सा सिर्फ एक चम्मच के ये है कि चावलों में थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है बिरयानी वाली जो खुशबू होती है ना वो थोड़ी सी आ जाती है और चावलों में थोड़ा सा करारापन आ जाता है तो यहाँ पे आपने नमक ऐड करना है और नमक आपने जो है वो ध्यान से ऐड करना है क्योंकि हमने जहनी में भी ऐड किया था और अब हम जो है वो इसमें भी ऐड कर रहे हैं तो आपने नमक को जो है वो नॉर्मल ऐड करना है उसके बाद आप टेस्ट कर लो कम और फिर आप दोबारा डाल लो और ये तरफ तो से एक टिक था मतलब टीन एजर्स के लिए कि वो वैसे कोशिश यही किया करे कि पहले मसाले कम डालें उसके बाद ये कि आप टेस्ट कर लो अगर आपको मिर्च वगैरह कम लगे तो आप दोबारा ऐड कर लो पहले अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो उसका कोई हल नहीं है लेकिन अगर कम हो तो उसका सलूशन होता है कि आप दोबारा लो तो जी यहाँ पे जो है वो मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड करूँगी एक चम्मच जो है वो मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड करूँगी और क्योंकि हमारे डेढ़ गिलास चावल हैं तो उस हिसाब से जो मैंने इसमें एक चम्मच जो है बिरयानी मसाला ऐड किया इससे थोड़ा सा कराड़ापन आ जाता है पुलाव में एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है और साथ में जो है टमाटर मैंने आपको बताया कि अगर एक गिलास बता देती हूँ एक गिलास अगर आप चावल ले लो तो उसके हिसाब से दो अदर टमाटर आप ले लो नार्मल साइज़ के तो मसाला जो है वो अच्छे से रहता है आपका चावलों में यानी करारापन अच्छा आता है तो यहाँ पे जो है हम पानी अच्छे से इसका ड्राई कर लेंगे और जब तक हमारा पानी ड्राई होता है और आयल ना छोड़ दे तब तक आपने उसकी बुनाई करनी है इसमें जो है वो आपके चिकन के भी अच्छे से बुनाई हो जाएगी और आपके मसाला जो है वो भी अच्छे से बुनाई हो जाएगी और बुनाई का मेथड क्या है ये मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि जब आप में चेक करना हो कि आपका मसाला अच्छे से हो चुका है तो आप चमड़ के साथ उसको उठाएं ठीक है इस तरीके से और जब इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो समझे आपका मसाला डन हो चुका है तो अभी इसको हम पाँच मिनट के लिए और बुनाई करेंगे ठीक है मज़ीद अच्छा बिरयानी मसाला जो है वो आपने लास्ट स्टेज पे और जो आ, लोग जो हैं वो यहनी वाला पुलाव बनाते हैं तो उनको तो आइडिया होता ही होगा कि कौन सा पुलाव ज़्यादा टेस्टी बनता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जिन्होंने ट्राई नहीं किया हुआ यहनी वाला पुलाव तो वो जरूर ट्राई करें और वो ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा बना वैसे तो पुलाव सबके घरों में टेस्टी ही बनता होगा लेकिन जहनी वाला जो है ना इसका अपना एक मज़ा है तो यहाँ पे हमारा आयल जो है वो अच्छे से हो चुकी यानी उसने छोड़ दिया मसाला अच्छे से हो चुका है अब हमने जो इसके अंदर जहनी निकाली हुई थी जी हमने वो इसके अंदर ऐड कर देनी है और ये आपने अपने गिलास वो चावलों के हिसाब से ऐड करनी है मेरे डेढ़ गिलास चावल थे तो मैं यहाँ पर तीन गिलास यानी वो दुगना पानी लेते हैं तो मैं यहाँ पर जो है वो तीन गिलास पानी ऐड करूँगी ठीक है तो आपने अपने चावलों के मुताबिक जितना वो पानी लेते हैं आप लोग उस हिसाब से इसके अंदर जहनी वाला पानी ऐड कर देना है अगर आपकी जहनी कम है तो आप सिंपल पानी भी ऐड कर सकते तो मेरी जो है आ, बिल्कुल तीन गिलास जो एक्सैक्ट जहनी रही थी मैंने जब उसको मापा तो मैं कहा तो बिल्कुल तीन गिलास ही हैं तो आपकी कम ज़्यादा हो तो आप सिंपल पानी ऐड कर सकते हो तो यहाँ पे अब हमारा जो है वो बॉयल आ चुका था अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे अच्छे से और बर्तन को जब अच्छे से साफ कर लेना चाहिए क्योंकि उनको अच्छे से साफ़ करने से ही बरकत होती है खाने में तो खाने को वैसे भी जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए हाँ जब बच्चों का अंदर बच्चों का मामला आ जाए तो बच्चों पर खाने में जब तंग करते हैं तो थोड़ा बहुत खाना वेस्ट करना पड़ जाता है समटाइम आप खुद फुल होते हो तो नहीं दिल करता सम टाइम जब आपने खाना नहीं खाया होता तो बच्चों का थोड़ा बहुत छोड़ा जो है वो आप खा लेते हो तो कोशिश तो वे यही करनी चाहिए कि रेजर को जो है वो ज़ाया नहीं करो तो यहाँ पे हमने चावलों को ऐड कर दिया ठीक है अब हम इसको कवर कर देंगे और पानी अच्छे से जो है वो बॉयल आने देंगे जी यहाँ पे अब आप आपने देखना अभी हमारा पानी है इसको थोड़ी देर के लिए हम मजीद पानी को और ड्राई करेंगे और ड्राई करने से पहले आप यहाँ पे आप देख सकते हो तो कि पानी थोड़ा सा रह गया तो इसको अब आप आपने इस स्टेज पे जा कर जो है वो इसका नमक टेस्ट करना है ठीक है ये आप देख सकते हो थोड़ा सा पानी है ज़्यादा पानी नहीं है तो अब इस स्टेज पर जाके आप अपना नमक टेस्ट करना है और जब आप अगर नमक कम लगे तो आप इसमें ऐड कर लो तो मुझे थोड़ा सा कम लगा था क्योंकि जहनी में भी होता है तो इसलिए पहले कभी भी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए तो मैंने थोड़ा सा नमक जो है वो इसके अंदर और ऐड करूँगी ठीक है तो यहाँ पे आप देख चेक कर सकते हो अगर आपको मिर्चें कम लगे हैं तो आप इसमें कुटी लाल मिर्च भी स्टेज पे जा शामिल कर सकते हो और अगर आपको यानी नमक लगे तो वो भी आप डाल सकते हो तो यहाँ पे हमने नमक को ऐड कर दिया और पानी हमारा बिल्कुल थोड़ा रहने वाला है यानी दम वाली जो स्टेज है वो आने वाली है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी जो है वो ड्राई हो चुका है तकरीबन अब हम इसमें शामिल कर देंगे फूड कलर और फूड कलर वैसे ज़रूरी नहीं है आप ना भी शामिल करो तो भी काम चलेगा लेकिन सम टाइम ये होता है कि अगर आप फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर दो ना तो उससे चावलों की शक्ल बहुत मजे वाली आ जाती है क्योंकि हमने इसमें एक वन टेबल स्पून जो है वो बिरयानी पाउडर भी ऐड किया हुआ है तो उससे फिर वो जो देगी वाली खुशबू आ जाती है ना तो वो उसके साथ साथ कलर अगर डाल दो तो वो उसकी शक्ल भी वैसी आ जाती है तो यहाँ पे हमने कलर फूड को मैंने ऐसे ही सिंपल दो साइड पे सिर्फ डाल दिया ज़्यादा भी नहीं डाला और इसको हमने डाल के जो है वो दम पे रख देंगे अच्छा इसको आपने पाँच मिनट दम पे रख देना है और पाँच मिनट आपने दम पे रखने के बाद आंच बंद कर दी लेकिन उसके बाद आपने फ़ौरन इसको नहीं हिलाना इसको पाँच मिनट ऐसे ही रहने देना उसके बाद आपने चावलों को हिलाना वो उसकी रीज़न ये है कि उससे जो है ना आपकी बिरयानी का जो हमने पाउडर डाला है वो और पुलाव की अपनी खुशबू जो अच्छे से रच जाती है ठीक है अंदर तो उसी वक्त चावलों को कभी भी नहीं करना चाहिए तो आप पाँच मिनट उसको ऐसे ही रहने दें उसके बाद आप चावलों को मिक्स कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो कलर भी नॉर्मल आया है बहुत ज़्यादा भी नहीं आया तो यहाँ पर हमारे चावल जो है अच्छे से रेडी हो चुके हैं बहुत करारे बने थे तो यहाँ पर मैं इनको डिश आउट करूँगी और टी शर्ट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी अच्छा यहाँ पे जो है वो बस मुझे जल्दी जल्दी क्योंकि ये दोपहर का टाइम होता है और अब वो लोग ऑलरेडी जो है वो खाने के टेबल पे बैठ चुके हैं तो फिर मुझे इस टाइम पे बर्तन मैंने लगा रही थी तो वो जल्दी जल्दी मुझे था कि मैं जल्दी से टी शर्ट कर लूँ और इसके ज़्यादा मज़दीद इसके ऊपर जो थोड़ी सी हमने गार्निश वगैरह करनी होती है तो उसका टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिला था क्योंकि बॉय वो वेट कर रहे थे जी यहाँ पे हम डिश उठ कर रहे हैं और हमदा चूंकि यहाँ पे नहीं है उनको मैं बता रही थी कि आज हमने चिकन पुलाव बनाया तो वो कह रहे थे कि वाह जी मुझे लगी हुई हैं मेरे बगैर और क्योंकि उनको पुलाव जो है बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ ये कि यहनी वाला होता तो है वो स्पेशली वैसे ही उनको बहुत पसंद है तो यहाँ पे मज़दीद इसकी डेकोरेशन मैं नहीं कर सकी थी क्योंकि अब लोग बाहर खाने पर वेट कर रहे थे तो बर्तन वगैरह मैं ऑलरेडी लगा चुकी थी और जल्दी में मैंने यहाँ पे जैसे मुझे समझ आया मैं जल्दी से मुझे खीरे मिले और मैंने यहाँ पे साइड पे जो है वो लगा ली तो ये देख सकते हो कितनी मजे की शक्ल आई है और बहुत ही जमी राइस बने थे तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा खाना वगैरह खा के अब जो है जा रही है अकेडमी बाय बाय बायना जी तो ये हमारी आज की वीडियो थी अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल पर जो न्यू है अपना बहुत ज्यादा याद रखिएगा और कमेंट्स में जरूर बनाइएगा जो जो लोग ट्राई करेंगे तो इस तरीके की डिशे में कोशिश करती रहूँगी आपके साथ शेयर करती रहूँ ये कैनवे के बाद अब बाकी टाइम हमारा जो है वो खेलों में गुजरेगा तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह